कितना है? 4:30. 12:40. और ये? 6:35. 7:30. माँ, चार अक्षर बोलने के लिए तेरी जान ऊपर नीचे हो रही है. अरे घड़ी में सिर्फ दो ही काटे होते, कौन सा काटा मिनट पे है और कौन सा घंटे पे तू बता नहीं पा रही है. देख लक्ष्मी, छोटी बच्ची है, सीख जाएगी वो. आप चुप रहिए, मैं सिखा रही हूँ ना. आप सिखा रहे हैं क्या? देखिए भाग गई ना वो. सितारा रुक जा. सितारा, अरे कहाँ भाग रही है? रुक जा बेटा. सितारा रुक जा ना. अरे रुक जा, मेरी बात सुन. अगर पकड़ लिया ना तो तेरी पिटाई लगा दूंगी. सितारा रुक जा, और नहीं भाग सकती मैं. सितारा, सितारा, यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को, मित्रों को, छोटों को, बड़ों को, मेरा प्रणाम. नृत्य कला विद्यालय का शुभारंभ करने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ. मैं जान सकती हूँ सर, आपने इस गांव का नाम नृत्य कला क्यों रखा है? इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, और उस समय ब्रिटिश ने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का विनाश करने के लिए नृत्य का आविष्कार किया. नृत्य से जुड़े हुए जो भी संबंध है, जैसे ग्रंथों को, पुस्तकों को, मूर्तियों को, और आखिर में मंदिरों को भी तोड़ दिया गया. भारत देश में कहीं पर भी नृत्य शब्द ना रहे, ऐसा करने की कोशिश की. हजारों सालों से जो नृत्य का इतिहास है वो हमारी संस्कृति से खत्म ना हो जाए, इसलिए गांव के सभी लोग मिलकर पूरे गांव के अंदर मंदिर में यज्ञ का आरंभ करते हैं. वहां पर बड़े बड़े विद्वान पंडित जब यज्ञ करते थे, और वहीं पर बड़े बड़े विद्वान नृत्य के बारे में लिख रहे थे, और जब ये बात ब्रिटिश वालों को पता चली तो उन्होंने हमला कर दिया. जो लोग भी वहाँ पर थे उनकी उन्होंने हत्या कर दी, और वहीं पर हवन कुंड में उन्हें डाल दिया. उस घटना को देखकर माता का दिल फट गया, और उसी समय माता ने प्रकट होकर एक विकराल रूप को धारण कर लिया, और फिर ब्रिटिश वालों को माता भस्म करने लगी. मृत्यु के डर से ब्रिटिश वाले भागने लगे. माता उनका कुछ ना करे इसलिए मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया. उसके बाद एक ब्रिटिश अधिकारी फ्रांसिस ने उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया. ब्रिटिश वाले भारत को आजादी देने के बावजूद भी जो भी वहाँ नृत्य कलाकार थे वो नृत्य विद्या को नहीं सीख पा रहे थे. इस बात का वहाँ के कलाकारों को बहुत ज्यादा दुख था. फिर एक दिन एक व्यक्ति ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया, और तब भी माता क्रोध में थी. उस व्यक्ति ने माता की पूजा की, अर्चना की, तब जाकर माँ ने उसे आशीर्वाद दिया कि सभी कलाकारों को नृत्य विद्या सीखनी है. ये सोचकर माता वहाँ मूर्ति बनकर स्थापित हो गई. देश के कलाकार जहाँ जहाँ भी थे वो वहाँ से यहाँ पर नृत्य सीखने के लिए आए, और इस गाँव को रोशन किया, और तब से इस गांव को नृत्य कला के नाम से जानने लगे. उसी दिन से देवी को नृत्य के देवी के रूप में मानते हैं. यही इस मूर्ति की महिमा है. इस नृत्य पाठशाला को हम यहां आरंभ करने के बारे में सोच रहे हैं, और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम गुरुजी के हाथों में सौंपना चाहते हैं. गुरुजी और उनकी सती मणि जी इस नृत्य कला को आगे बढ़ाएंगी. इन्होंने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया है, इसीलिए इस पाठशाला को हमेशा के लिए इन दोनों को सौंप दिया जाए. गांव के सरपंच होने के नाते मैंने ये निर्णय लिया है. हे, क्या हुआ? होमवर्क नहीं करना इसलिए भागी चली आई तुम? ए सितारा, बाप रे माँ. अब आज से यहाँ की जिम्मेदारी आपकी है गुरुजी. अरे गुरुजी, आपने मेरी बेटी को देखा क्या? नहीं देखा. ये लड़की मेरी जान लेकर रहेगी, पता नहीं कहाँ चली गई. ये मंदिर और किसी कारण से नहीं, बल्कि माता के डर के मारे बंद कर दिया था उस ब्रिटिश ऑफिसर फ्रांसिस ने. आश्चर्य इस बात का है कि वो इंग्लैंड जाते समय इस बंगले को और इस कार को नृत्य कला में इनका उपयोग किया जाए, ऐसा उन्होंने वसीयत में लिखा.
ऐसे ऐसे ना। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी नमस्ते। शालिनी, हमें एक नई नृत्य कला आरंभ करनी है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। थई था तत थई तत तत थई ता थई तत थई, इस तरह से करो। तधिं तन दधिं तधिं तन दधिं धिं धिं तधिं तन दधिं। आप क्या कर रहे हो? एक कहानी तैयार कर रहा हूँ। आप तो नृत्य करते हो ना? दोनों एक ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक से बोलो। जब हम कहानी को सुनते हैं, अगर उसी कहानी को अपनी आँखों से देखें, तो उसे नृत्य कहते हैं। नृत्य मतलब एक कहानी को सुंदरता से कहना। ओहो, नृत्य को कहानी बोलते हो? हाँ बेटी, जब एक कहानी को हम नृत्य के जरिए बताते हैं तो उससे किसी की भी सोच बदल सकती है, जीवन भी बदल सकता है। इतनी शक्ति है नृत्य में। अच्छा, आप कौन सी कथा लिख रहे हो? कादंबरी कथा। ये कौन सी कथा है, मुझे बताओ। बताता हूँ। जी, ये कथा तो बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई, मैं भी करूंगी। ये क्या कर रही हो? मैं ही कादंबरी हूँ, आप बोलते जाओ, मैं नृत्य करती जाऊंगी। आप मुस्कुरो, मैं तो अच्छा नृत्य कर रही हूँ। बेटी, कादंबरी जो है ना, वो एक बहुत बड़ी कलाकार है। अगर उसकी कहानी बतानी है तो नृत्य अच्छे से सीखना होगा। पहले सीख लो, उसके बाद कादंबरी में तुम प्रवेश करोगी। आप पक्का मुझे प्रवेश देंगे ना कादंबरी में? प्रॉमिस। गुरुजी, शालिनी जी को नदी के पास सांप ने डस लिया है। कादंबरी की कहानी बताने के कारण ये सब हुआ है। सही कहा आपने, कादंबरी की कहानी अपशगुन है, जो जो उस नाटक को करता है उसे श्राप लग जाता है। कैन यू कॉल द नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज? Rohit from Barefoot Dance Company. Rap dude, smack you. I don't got an attitude. Grab you, slash you. This is how I battle crew. Straight to the center. Caution, do not enter. I be eating rappers. I ain't even mentor. Drop it fresh. Drop it fresh. Drop it fresh. Drop it fresh. डांस में दीवाना, डांस काम में फैन हूँ, डांस में हूँ क्रेजी ब्रेक डांसर में हूँ, डांस मेरी लाइफ, डांस का है जुनून, डांस से मिलता मुझे सुकून, जिंदगी है मेरी डांस मेरा, नस नस में है डांस बसा, फ्यूचर दिखे मुझे डांस मेरा, डांस के लिए ही मैं तो बना। देखिए डांस मेरा ये देखिए, के थाम के दिल ये अपना, देखिए 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 डांस, देखिए मेरा ये डांस, देखिए सबसे जुदा ये डांस मेरा ये, देखिए We'll be right back.
तुम्हारे डांस के अंदर बहुत एनर्जी है, लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं दिखाई नहीं दिया। उत्साह में आकर जो तुमने जिम्नास्टिक डांस किया है, लेकिन वो डांस नहीं है। नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा ट्राई करना। अरे यार, इतनी मेहनत की सब बेकार चली गई यार, पागल हो रहा हूँ मैं। एक बार पूछ के देखते हैं ना, एक और मौका मिलेगा कि नहीं। वो देखो अभी। ओके, मैं चलती हूँ। ओके, ठीक है। मैम, एक्सक्यूज मी। मैम, मेरे लिए डांस टाइम पास या कोई हॉबी नहीं है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट डांसिंग। आई फील लाइक आई एम कनेक्टिंग टू माई सोल। देखो, तुम्हारा पैशन समझ में आ रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से एक डांस ग्रुप अमेरिका भेजना है, इसलिए ये परफॉर्मेंस नहीं चलेगा। डांस के अंदर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बस एक चांस दीजिए मैडम, कैसे भी मैनेज करके अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा। तुम्हारे पास कोई नए कॉन्सेप्ट का आइडिया है? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है मैडम, लेकिन मैं अपनी पूरी टीम के साथ फुल कंसंट्रेट होकर के। वो सब छोड़ दो, कुछ नया करना है या कुछ नया सीखना है तो एक काम करो। एक आइडिया है, यहाँ से कुछ दूर एक गांव है, उस गांव की खास बात है, वहाँ पर सब लोग क्लासिकल डांसर्स हैं। उनका डांस मतलब कहानी को बयां करना, स्टोरी टेलिंग है। तुम वहाँ क्यों नहीं जाते, शायद तुम्हें कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। ओके ओके, I'll do it. I got it. I will come back to with an amazing concept. Relax, relax. पहले तुम वहाँ पर जाओ और नए कॉन्सेप्ट लेकर आओ और मुझे बताओ, तब मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू मैम। अरे उस तरफ चलो। सर, इस देवी की महानता के बारे में कुछ बताएंगे? ब्रिटिश के समय में जो ये नाट्य विद्या खत्म कर दी गई थी, वही देवी के दिए हुए इस ग्रंथ के कारण फिर से इस कला का जन्म हुआ है। पुजारी जी, एक बार मीडिया वालों को दिखाइए। जी। आप लोग इधर देखिए, देवी माँ ग्रंथ को लेकर इस प्रकार यहाँ पर प्रकट होकर बैठ गई, यही इनकी महिमा है। देवी माँ की महिमा के साथ साथ इस ग्रंथ का और इस गांव का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, मेरी यही इच्छा है। इसलिए आप सभी लोग पूरी दुनिया में इसका प्रचार करें, प्रसार करें, यही आपसे अनुरोध है मेरा। आप सबको नमस्कार। अभी कुछ देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आइए आप लोग। आज नृत्य नाटिका में अर्ध नारीश्वर प्रदर्शित होने वाला है। शिवाय
कोई न जाना शिव जी की माया, कण कण में है शिव जी ही समाया, सारे जगत पे शिव ही की छाया, नमः शिवाय नमः शिवाय। विश्व के सारे शिव है दाता, सृष्टि का सारी शिव ही विधाता, खेल विधि का शिव ही रचाता, नमः शिवाय नमः शिवाय। रुद्राक्ष माला शिव ही धारे, कपाल माला शिव ही धारे, दिगंबराया दिगंबराया, नमः शिवाय नमः शिवाय। ताकि पर्वत पे डेरा है शिव का, ऊंचे हिमालय पे वास है शिव का, नीरेश्वराय निखिलेश्वराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। संपूर्ण सृष्टि शिव की है रचना, शिव की दया से समय का चलना, देव भी सारे शिव को ही पूजे, नमः शिवाय नमः शिवाय। वायु धरा में जल में समाए, अग्नि आकाश में शिव समाए, शिवा दयालु है शिवा कृपालु, नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव ने ही थामे है ये सारी सृष्टि, सारे जगत पे भी शिव की है दृष्टि, काल का चक्र भी शिव ही चलाए, शिव से ही मिलती है समस्त सिद्धि। अच्छा था, आपका आशीर्वाद है सरपंच जी। बहुत अच्छा किया बेटी, साक्षात शिव पार्वती ही नजर आए तुम दोनों। बहुत बढ़िया, आइए सरपंच, चलिए चलिए हटिए अब पीछे। ए डांसर, बहुत अच्छा नाची है, अगली बार जब नाचेगी ना तो पिताजी से कहकर तुझे मैं एक मस्त तोहफा दिलवाऊंगा। हमारे एमएलए साहब के बेटे हैं ये। हाँ, मेरा नाम वीरभद्र है। वो क्या है ना कि बचपन से स्कूल स्कूल नहीं गया हूँ, क्योंकि बहुत पैसा है मेरे पास। ए, ये रख ले, रख लेना। अरे ये नहीं लेंगे। ए, तो चुप। अरे रखना, चलता हूँ मैं। चलो रे, बहुत नखरे दिखा रही है, है? पता नहीं कहाँ। हाय सितारा साहब, पीछे तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, तुमसे एक बात करनी है। सर मुझे उससे बात करनी है, सर सुनिए तो। तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, कमाल कर दिया तुमने सितारा, सच कह रहा हूँ। हे चल उससे बात करते हैं। वो लड़की जा रही है, चल यहाँ से चल। अरे क्या कर रहे हो, आने दो उनको। अच्छा ये लगा लो, चलो चलो सुनिए भाई साहब। आइए आइए आप लोग, कम ऑन कम ऑन, अरे चल चल चल। ये लड़की कौन है?
अब कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दर्द हो रहा है सितारा? ऐन वक्त पर डांस करके तुमने हमारी इज्जत बचा ली, तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया सितारा। अरे मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। वो क्यों? मैं बस यही बात साबित करना चाहती थी कि मैं गुरुजी के रंग प्रवेश में हिस्सा ले सकती हूँ, और तुम्हारी वजह से कम ये मौका तो मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। वैष्णवी अब कैसी हो? अभी ठीक हूँ। सितारा तुमने अच्छा किया। क्या सच में आपको अच्छा लगा? तुमने तो हमारे साथ डांस सीखा नहीं, फिर इतना अच्छा कैसे किया? आप और वैष्णवी जब प्रैक्टिस करते थे तब मैं वहाँ बैठी रहती थी, वही देखकर मैंने सीख लिया। इतनी साधना और इतने मन से तुमने सिर्फ देखकर सीखा है, ऐसा कैसे कर लिया तुमने? तुम में कोई खास बात जरूर है। अब हम जो भी कला नृत्य करेंगे तुम साथ रहोगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा। हरी जी आपको ही गुरुजी से बात करनी होगी। ठीक है। थोड़ा सुन तो लो, मेरा नाम है रोहित, मैं शहर से आया हूँ। लाइफ में फर्स्ट टाइम क्लासिकल डांस देखा मैंने, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छा डांस करती हो। तुम्हारे डांस पे तो मैं फिदा हो गया, सच कहूँ तो मैं बस तुम्हें देखता ही रह गया। ए, बकवास मत करो, लड़की कपड़े बदल रही है और उसे चोरी छिपे देख रहे हो, छी, इडियट। एक्सक्यूज मी मैडम, अगर मैं सच में इडियट होता ना तो वहीं पर्दे के ही पीछे रहता, यहाँ तुम्हारे सामने आके तुम्हें रोकता नहीं। तुमसे बहुत सारी बात करनी है, तुम कहाँ से आई हो, तुमने किससे डांस सीखा है, जिसने तुम्हें डांस सिखाया तुम्हारे गुरुजी। बहुत बकवास मत करो, डांस के बारे में अगर मालूम करना है ना तो पाठशाला में जाकर गुरुजी से बात करो। चलो निकले यहाँ से। सुनो तो, बस दो मिनट बात। जा रहा हूँ ना। गुरुजी, इस तरह से यहाँ बैठकर शालिनी मैडम के लिए कब तक दुखी होते रहेंगे? ये सब जाने दो बेटी। अच्छा बेटी, मैंने सुना कल तुमने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया। हरी तो कह रहा था कि वैष्णवी से भी अच्छा तुमने किया। क्या सच में मैंने ऐसा नृत्य किया था गुरुजी? पता है, पेपर में भी छपा है। ऐसा लगता था कि नृत्य कला खत्म होते जा रही है, लेकिन सितारा का नृत्य देख कर ऐसा लगा कि ये कभी खत्म नहीं हो सकती। तो रंग प्रवेश दे रहे हैं ना आप मुझे? अरे बाप रे, तुम तो एकदम से शिव तांडव करने की बात कर रही हो। फिर क्या, जब मैं छोटी थी तब से मेरी इच्छा थी कि मैं इसमें प्रवेश करूं। मैं तब से ही सीख रही हूं। अच्छी साड़ी पहनूंगी और गहने भी। स्टेज पर फूल नहीं होने चाहिए गुरुजी, चारों तरफ दीपक ही दीपक होंगे। इनविटेशन कार्ड पर आपकी और शालिनी जी की फोटो है ना, जो मैंने बचपन में खींची थी वही छापेंगे। पर गुरुजी, उससे ज्यादा और क्या करना है, मैंने सब सोच के रखा है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अरे वाह, तुमने ये भी सोच लिया कि करना क्या है। क्या करना है? आप भूल गए, जब मैं छोटी थी तब आपसे प्रॉमिस किया था ना, कादंबरी कथा। नहीं सितारा, कादंबरी नृत्य नहीं करना है। क्यों गुरुजी, कादंबरी कथा तो आपको भी बहुत पसंद है ना, फिर क्यों मना कर रहे हैं? सितारा, वो कथा हमारे लिए अभिशाप है, जो भी उस कथा पर नृत्य करता है श्राप लगता है, उसी की वजह से शालिनी की मृत्यु हो गई। गुरुजी, शालिनी जी के गुजरने से कादंबरी कथा का क्या संबंध हो सकता है? सुनो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं जो बोलूँ तुम वही करोगी, ये तुम्हारा कर्तव्य है। पर रंग प्रवेश तो मेरा है ना, और सबको ये हक मिलता है ना गुरुजी कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, फिर मुझे प्रवेश क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं कादंबरी कथा जरूर करूंगी गुरुजी, इस श्राप को मैं नहीं मानती। क्या बात है यार, कमाल है। हाँ, क्या बात है यार, ये तो बहुत अच्छी जगह है। एकदम सही कह रहा है तू। क्या कर रही हो? जल्दी से
बड़ी हो जाओ फिर मैं तुम्हें अच्छा सा डांस सिखाऊंगी। लड़की कैसे कर रही है, कैसे सिखा रही है? पहचाना मुझे? ये क्या, इतनी जल्दी भूल गई तुम? तुमने ही तो कहा था डांस स्कूल में आके मिलना। गंगाधर जी बोलिए दीदी। देखो इसे क्या चाहिए। अरे कैसी लड़की है ये, डांस के अलावा हंसना नहीं आता क्या इसे? मतलब बड़े गुरुजी का टाइम हो गया आने का, रंग प्रवेश में मौका मिलेगा कि नहीं इसी बात का डर है सितारा जी को। रंग प्रवेश का मतलब? कैसे बोलूं, हाँ जैसे पढ़ाई होने के बाद डिग्री मिलती है ना, उसी तरह डांस की भी डिग्री मिलती है। कन्वोकेशन? हाँ वैसे ही, हमारे पाठशाला में उसे रंग प्रवेश कहते हैं। hey, उसे इतनी टेंशन क्यों हो रही है, उसे जाके बता दो कि फर्स्ट वही आने वाली है। नो डाउट यार। तुम लोगों की शिक्षा कल से शुरू होगी, अभी तुम लोग जा सकते हो। एक मौका दे दीजिए ना प्लीज सर। देखो नृत्य करने में बहुत मेहनत लगती है, तुम लोग मेहनत करके भी नहीं सीख पाओगे क्योंकि तुम्हें नृत्य की कदर नहीं है। जाओ। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। पिताजी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये 10 लोग नहीं सीख पा रहे हैं। वो क्या है ना, जब देखो तब ये लोग अपने स्कूल के बारे में ही सोचते रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इनको इनके घर भेज दूँ। और कुछ? रंग प्रवेश आप किसको देंगे ये बता देंगे तो हम लोग उसके हिसाब से तैयारी कर लेंगे। इस बार वैष्णवी को दे दो। गुरुजी आपने कहा था इस बार आप मुझे प्रवेश देंगे। अभी नहीं, कुछ समय बाद। पर मुझ में क्या कमी है ये तो बताइए ना, मैं उसे सुधार लूंगी। सितारा तुम्हारी सहन शक्ति कम है, तुम सोचती हो कि सब कुछ बहुत जल्दी हो जाए, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। ये क्या गुरुजी, मैंने नृत्य बहुत अच्छा सीख लिया ऐसा आपने ही कहा था। नृत्य सीखना सब कुछ नहीं है, नृत्य सिखाना भी पड़ता है। क्या तुम इन्हें नृत्य सिखा सकती हो? ठीक है गुरुजी, मैं इन्हें सिखाकर साबित कर दूंगी। नमः शिवाय। एक्सक्यूज मी सितारा, सितारा देखो तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ जितने भी डांसर हैं उनमें से यू आर द बेस्ट डांसर। देखो मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारा गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है क्या? हाँ? कभी नॉर्मली भी बात कर लिया करो। आखिर मैं तुमसे बात ही क्यों करूँ, क्या तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरे रिश्तेदार हो या फिर इस डांस स्कूल के स्टूडेंट हो? यस मैं स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आया हूँ। तुम नहीं ये अरे मैं नहीं ये हाँ मैं सीखने के लिए आया हूँ सितारा। ए, कभी कहते हो इसे करना है कभी कहते हो तुम्हें करना है, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। ऐसा नहीं है सितारा। यहाँ पर क्या चल रहा है? डांस सीखना ये बोलकर ये तीनों सितारा जी के आगे पीछे घूम रहे हैं। डांस सीखना तो मेरे पास आना चाहिए ना, लड़की के पास क्यों? वो क्या है एक्चुअली इन्हें एक छोटा सा बैच दिया गया है और मैं इन्हीं के साथ डांस सीखना चाहता हूँ क्योंकि इनके साथ मैं कम्फर्ट फील करूंगा। नहीं हो सकता, तुम लोग चले जाओ। सर क्या हुआ सर? नृत्य सीखने से पहले तुम लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हो, तुमको नृत्य सीखने का कोई अधिकार नहीं है। सर ऐसी बड़ी बड़ी बातें क्यों बोल रहे हैं आप, ये जस्ट डांस ही तो है और मैं इसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो बस पैसे बताइए सर, एडवांस ले लीजिए मुझसे। ए, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता, जाओ यहाँ से। हरी शांत हो जाओ, क्या हुआ? पिताजी नमस्ते सर, मेरा नाम रोहित है, मैं शहर से आया हूँ, आपके पास डांस सीखना चाह रहा था तो इसलिए मैं। ठीक है सीखने दो। हर किसी को डांस सिखाने लगे तो नृत्य का स्तर गिर जाएगा पिताजी। कोई भी अगर डांस सीखना चाहेगा तो उसकी वजह से वैल्यू बढ़ती है और अगर वो सीख नहीं भी पाया तो स्तर नीचे नहीं गिरेगा। सितारा पूजा के लिए कल का दिन अच्छा है, जो चाहिए इसे बोल दो, ठीक है? थैंक यू सर। है सितारा अब तो बात करोगी ना? गंगाधर पूजा के लिए क्या चाहिए इन्हें बता दो। जब आना तो गुरु दक्षिणा का सामान लेकर आना। तुमने जो बोला था मैं सब लेके आ गया हूं। कितना अच्छा लग रहा है ना,
सुबह सुबह फ्रेश होके इतनी अच्छी लोकेशन पे तुमसे बात करने को मिल रहा है। तुम गाना भी गाती हो? पहले हम फर्स्ट स्टेप पर ध्यान देंगे। सब लोग कॉल इस तरफ से ओपन करेंगे और मंडल में बैठ जाएंगे। चिनाब, स्माइल करो। रेडी, तक दीना तुम, तक दीना तुम, तक दीना ताई, ताई, ते, ते, ताई। वन, टू, थ्री, फोर, ताई, थोड़ा स्माइल करो, ताई। टीचर, आ गया मुझे। अच्छी बात है, इसे एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करनी होगी। एक हफ्ते तक? क्यों, कम है क्या? 10 दिनों तो करना चाहोगे? नहीं नहीं, एक हफ्ता ठीक है। हाँ। कुछ ज्यादा स्मार्ट समझता है। एक हफ्ते तक एक स्टेप कैसे कर सकते हैं? ये बदला ले लिया उसे। एक ही स्टेप को एक एक हफ्ता करवाते रहते हैं ये लोग। क्या कहा, एक हफ्ता? हाँ जी। तुम्हें कितने दिन हो गए यहाँ? 2 महीने हो गए। अच्छा, कम से कम एक स्टेप तो सीख लिया होगा ना? नहीं भाई, एक स्टेप बराबर नहीं कर पाया था मैं, इसलिए 3 हफ्ते रगड़ रगड़ कर सिखाया मुझे। क्या, आजकल तो फिल्में भी 3 हफ्ते नहीं चलती हैं, और तुम एक ही स्टेप पे 3 हफ्ते कैसे चल सकते हो? तुम ये देख रहो। ठीक है दीदी। अरे गुरुजी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। 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 आने वाली जन्माष्टमी पर ये जन्माष्टमी का प्रोग्राम किसे दिया जाएगा, इसीलिए ये बैठक की गई है। सब लोगों का समर्थन लेने के बाद ही इस साल के जो भी कार्यक्रम होंगे हम गुरुजी को ही देंगे। अरे क्या ये सब कुछ, हर बार उन्हीं को देंगे। आप लोग हमें भी एक मौका दीजिए। गुरुजी 15 साल से एक ही नृत्य बार बार करते आ रहे हैं, देखने वाली जनता भी बोर हो चुकी है। गुरुजी आप नया नृत्य कर सकते हैं तो आप ही कीजिए, नहीं तो इस बार ये मौका हमें दे दीजिए। आप क्या कहते हैं? उसको क्या पूछ रहा है, जब मैं छोटा था ना तब से गुरुजी का डांस देख रहा हूँ। मेरा बाप पहले कुछ नहीं था, फिर सरपंच बना और आज MLA है। राज्य भी बदल रहा है, सरकारें भी बदल रही हैं, लेकिन इनके डांस में कोई बदलाव नहीं आया, आज भी वैसा का वैसा ही है। ये जो बोल रहा है ये बात बिल्कुल सही है। इस साल आप कुछ नया करेंगे क्या? क्षमा कीजिएगा, मेरे पास जो है मैं वही कर पाऊंगा। अगर ठीक लगे तो मुझे दीजिए, नहीं तो इन्हें दे दीजिए। रोकिए। गुरु जी अपनी पत्नी के निधन से बहुत दुखी हैं। कम से कम ये कार्य तो उन्हें आराम से करने दीजिए। मैं आप सभी से एक बात साफ साफ कहता हूं, ये कार्य यही करेंगे, ये मेरा निर्णय है। सरपंच जी जो भी करना पड़ता है, चलो 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 सही बात है। चलो, हाँ मैंने भी वही सोचा था, इनका निर्णय आराम में होता नहीं समझ। चलो देखते हैं। इस बार कृष्णा जन्माष्टमी पर हम लोग ही मंदिर में उत्सव करेंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी हम तुम्हें दे रहे हैं। जी ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तुम वहाँ जाओ, कॉन्सेप्ट लेकर आओ और मुझे बताओ, और उसके बाद मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री के बारे में सोचूंगी। गुरुजी मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली मुझे एक कॉम्पिटिशन जीतना है, तो आप अपने कलेक्शन में से मुझे एक कैसेट दे देंगे तो उसमें मैं वेस्टर्न को मिक्स करके डांस करूंगा तो पक्का कॉम्पिटिशन जीत जाऊंगा। ठीक है। पिताजी ये क्या, ये तो कह रहा था कि इसे नृत्य सीखना है, अब ये खराब कर रहा है। आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं कुछ खराब नहीं करूंगा, मैं बस थोड़ा सा बदलूंगा। तू कौन होता है हमारे नृत्य को, हमारी कला को बदलने वाला? ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? जब देखो अधिकार अधिकार करते रहते हैं। किसके लिए होना चाहिए अधिकार? होना चाहिए हर किसी के लिए, होना चाहिए किसी से बात करने के लिए, कोई चीज हासिल करने के लिए। तुम बताओ तुमने क्या हासिल किया है, एक स्टेप भी अभी तक सीख पाए हो क्या? ठीक है सीख लूंगा, एक स्टेप को सीखने में कितना वक्त लगेगा? सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता, उसे पूरा करना पड़ता है। ठीक है पूरा भी करूंगा, कल देख लीजिएगा। अगर तुम में मेहनत करने की लगन है तो एक दिन मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब जाओ। ठीक है गुरुजी। एक मौका देना चाहिए। हाँ सितारा। हाँ? इस कैसेट में जो है उसे देखकर इसके पॉइंट्स लिख कर रखो। ठीक है। सितारा मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूं, कुछ दुखी नजर आ रही हो, रंग प्रवेश का सोच रही हो? सितारा तुम दुखी मत हो, राधा गोपाल के प्रदर्शन में राधा का मौका मैं तुम्हें ही दूंगा, इसमें सबको प्रसन्न कर दो, फिर रंग प्रवेश में मौका तुम्हें ही मिलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हरी जी, कम से कम आपने ये बात नोटिस तो की। कड़ी मेहनत करके आपका और गुरुजी का मान रखने की पूरी कोशिश करूंगी। सितारा एक और बात, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने रोहित के बारे में कुछ गलत बोल दिया? नहीं तो, आपने जो कहा बिल्कुल सच था। उसमें ना सीखने की लगन है और ना वो इसके लिए मेहनत करना चाहता है। कम से कम तुमने तो मुझे अच्छे से समझा। वो रोहित के हाथों में पिताजी की कैसेट नहीं जानी चाहिए। कुछ भी करके ऐसा करना कि उसकी शिक्षा पूरी ना हो। ऐसे बैठकर 1 2 समझ में नहीं आता तुम्हें? क्या कर रहे हो और तुम लोग क्यों इसे फॉलो कर रहे हो? जरा वो छड़ी देना। ए, 1 2 3 ऐसे पैर पकड़कर पांव और हाथ ऐसे करने हैं। क्या कर रहे हो? एक स्टेप ठीक से नहीं कर सकते हो? बेवकूफ बेवकूफ। ए ए रुक जाओ, क्या है ये? साउंड की तरह डांस कर रहे हो, ऐसे क्यों बैठे हो तुम? पी कर आए हो क्या? 4 दिन से देख रही हूँ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तुम्हें, कोई फायदा नहीं है तुम्हें सिखाने का। गंगाधर जी, ये सब लोग कहाँ पर हैं? उधर देखो, सब लोग वहाँ खेल रहे हैं। ए, क्या है ये सब? अकल नहीं है तुम लोगों में? परीक्षा नजदीक आ रही है ना, और गुरुजी के आने का टाइम भी हो गया है। तुम लोगों की वजह से रंग प्रवेश में नहीं जा पाऊंगी। 50 उठक बैठक करो, सब पर नजर है मेरी। सितारा, चलो शुरू करो। इतनी सी बात पे पनिशमेंट क्यों दे रही हो? बकवास मत करो, हर बात में अपनी टांग मत अड़ाया करो। तुम्हारे घुंघरू कहाँ पर है? जल्दबाजी में भूल गया। तुम्हारा लक्ष्य क्या है रोहित? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इतनी छोटी सी बात पे तुम इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रही हो? चलो ठीक है, अपने घुंघरू दे दो मुझे। मेरे घुंघरू मुझे वापस दे दो, जिसके घुंघरू है वो उसी के पास रहेंगे। अरे बाप रे, मेरे घुंघरू तुम्हारे घुंघरू दोनों की आवाज अलग अलग है क्या? घुंघरू की आवाज हथियार की तरह होती है और हथियार योद्धा के हाथ में होना चाहिए, उसी तरह ये घुंघरू हमारे पास होने चाहिए। जाओ पहले जाकर अपने घुंघरू लेकर आओ, जाओ। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। शुरू करो। सब लोग अलंकार में आ जाओ। तक दीन तुम। 1 2 3 4 तुम चारों सामने आ जाओ। तई तई दिद तई। अति सुंदर। 1 2 3 4 1 2 3 4 बहुत अच्छे। बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। शाबाश। अगर 10 लोगों की आंखों में खुशी देखनी है तो उनकी कला पर ताली बजाएं। और वही कलाकार जब 10 कलाकार तैयार करता है तो उसकी कला की ऊंचाई बढ़ जाती है। तुमने बहुत अच्छा सिखाया। गुरुजी, अब आपने जैसे कहा था मैंने सिखा दिया, अब आप मुझे कादंबरी कथा देंगे? सितारा मेरी बात सुनो, तुम अभी रंग प्रवेश नहीं कर रही हो और तुम कादंबरी भी नहीं कर रही हो। तुम क्या कर रही हो सितारा?
मैंने कहा था ना कि कादंबरी नाट्य नहीं करोगी। तुम ही तुम हो प्राण में, बैरी पिया हर सांस में, प्रेम तुम्ही से है मोरे पिया। क्या हो गया है तुम्हें, क्यों जिद कर रही हो? रंग प्रवेश के लिए मुझे कादंबरी कथा देंगे ऐसा प्रॉमिस किया था आपने, आप भूलिए मत। तभी तो मैंने आपसे नृत्य सीखा था गुरुजी, और अब आप दूसरी कहानी बताएंगे तो मैं कैसे करूंगी बताइए। तो जब तुम छोटी थी तब बोला था, परंतु अब वो कहानी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। गुरुजी मुझे याद है, अभी भी मेरी आंखों के सामने वो कहानी घूम रही है। मैं बताती हूँ, आप नृत्य कला बताइए प्लीज गुरुजी। सितारा मेरी बात मान लो बेटी, भूल जाओ। छोड़ दो, मैंने गुड़िया की कहानी नहीं सीखी है जो इसे छोड़ दूँ। उस कहानी ने मुझे बड़ा किया है। एक बार आप सोचिए, वो डायरी आपको ही क्यों मिली, आपने मुझे ही क्यों बताया, आखिर मैं उसे क्यों नहीं भूल पा रही हूँ। इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी, आप सोचिए इस बारे में। मैं कादंबरी को अपने नृत्य के द्वारा मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ गुरु जी। तुम जो नृत्य करना चाह रही हो उसके लिए कादंबरी ने बलिदान दिया था। ये देखिए गुरुजी आ गए। आगे गुरुजी। हाँ ठीक है। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए। हाँ यहीं पर होने वाला है डांस। हाँ वो उधर देख, वहाँ पे लगा दे। हाँ काफी दिन लगते हैं ये पूरा करने के लिए। नहीं इस तरफ देखा था मैंने। पूरा गाना सीख लेना। वो डांस वाले फिर से आ गए रे। ना भाई सब कुछ कितना कमाल का है ना। अरे डांसर डांसर बेबी डांस करेगी क्या, डांस करेगी क्या, आंखें मिलाएगी क्या, दिल मेरा धड़ के तुझे देख के आज मस्त लग रही है। अबे स्टेज अच्छा बनना चाहिए। अरे क्या कर रही हो, जल्दी करो। हाँ, दीदी हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं भी रेडी हूँ, बस हरी जी आ जाए तो। हाँ सब लोग रेडी हैं ना? हाँ सब रेडी हैं। रेडी हैं तो सबको बुला लो, देर हो रही है। हाँ ठीक है लीजिए। सितारा तुम काबिल हो इसके लिए नहीं, कादंबरी कथा से तुम्हें कुछ नुकसान ना हो इसलिए मना कर रहा था, लेकिन एक कलाकार कैसे रुक सकता है, तुम भी नहीं रुकी। कादंबरी की कहानी बाहर आनी चाहिए ताकि सबको सच्चाई पता चले, और इसीलिए हम सब लोग मिलकर उस कहानी को शुरू करेंगे। इस कार्यक्रम के खत्म होते ही हम लोग इसे रंग प्रवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया। रंग प्रवेश के बाद सितारा यहाँ की स्टार हो जाएगी। सितारा अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देना मुझे। क्या साहब आजकल बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं, कभी यहाँ डांस कभी वहाँ डांस, आपने तो कमाल कर दिया। पूरे गांव वाले डांस देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। सब उसकी कृपा है। सरपंच जी, गुरुजी फिर से कादंबरी का नाटक करने के लिए बोल रहे हैं। कादंबरी की कहानी फिर से शुरू होगी। 20 साल पुराने डर को भूल चुके हैं शायद। वीरभद्र तुझे क्या करना है तुझे पता होना चाहिए। ये प्रदर्शन ये कार्यक्रम रुक जाना चाहिए ताकि गुरु का नाम बदनाम हो जाए। और एक बात सुन, वो सितारा मर जानी चाहिए। चलो चलते हैं। ठीक है। देखा तुमने, मेरी बात मानी तो तुम्हें रंग प्रवेश मिल गया। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होगा। रंग प्रवेश में अगर कुछ भी गलती हुई तो सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं मेरी भी इज्जत जाएगी। हाँ। वैसे भी सब कुछ मुझे ही तो देखना है ना। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, मैं लगाती हूँ। बहुत अच्छा किया उसे परीक्षा से बाहर निकालकर और पाठशाला से दूर कर दिया। होशियार रहना,
बहुत खतरनाक है। तुम सिर्फ मेरी हो। गुरुजी मुझे रंग प्रवेश दे रहे हैं। क्या सच में? सच में अभी प्रदर्शन के बाद। अच्छी बात है। एक मिनट, मुझे रंग प्रवेश मिल रहा है। कांग्रेचुलेशन दीदी। लो ना रोहित। क्या हुआ, मेरी जीत से खुश नहीं लग रहे हो? मुझे कला से दूर रख करके अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। ऐसी जीत को जीत नहीं कहते। एए! कितना घमंड है तुम्हें जो इस तरह से बात कर रहे हो मुझसे। मेरी जैसी मर्जी मैं वैसे बात करूंगा। क्या तुम मेरी फ्रेंड हो या रिश्तेदार हो? तुम मेरी डांस टीचर भी नहीं हो, सिर्फ सितारा हो। छी! एक तो तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो, ऊपर से सब कुछ मुझ पर डाल रहे हो। तुम्हारे अंदर डेडिकेशन नहीं है और इसका जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो। hey, अपने क्लास में आना अलग है और अपना काम करना अलग है। मेरी बात सुनो, अगर डेडिकेशन नहीं होता तो मैं यहाँ एक महीने से टिका नहीं होता। hey, तुम एक महीने से यहाँ पर हो और हम लोग सालों से यहाँ पर हैं। और जानते हो गुरुजी ने ये मौका सिर्फ मुझे ही क्यों दिया? क्योंकि यहाँ के सारे रूल्स मैं फॉलो करती आई हूँ। hey, गर्ल्स बताओ, क्या मैं कभी किसी क्लास में लेट आई हूँ? मेरी शिक्षा मेरी आदत है। गुरुजी ने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया, बिना कोई गलती किए। ये मेरी श्रद्धा है जो हर एक स्टेप को मैंने कम से कम हजार बार प्रैक्टिस किया है। इतनी मैंने मेहनत की है, यहाँ पर जितने भी कठिन नियम है उनका पालन मैंने किया है, इसीलिए आज मुझे ये खुशी मिली। दीदी, हरी जी का आने का टाइम हो गया है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। चलिए दीदी। रुको तो, तुमने जो डांस सीखा है वो तुम करो और मैं यहाँ अपनी मर्जी से डांस करूंगा, फिर देखते हैं कि दोनों में से कौन अच्छा है। तुम्हारे बंदर डांस से मैं मुकाबला करूं? इसका मतलब डर गई तुम, है ना? गंगाधर। जी दीदी। नटरंग म्यूजिक लगाओ। शुरू करो। तक्के देना तुम। वृंदावन में यमुना तट पे नंद नंद की धूम मची, श्याम सुंदर ने लीला है रची, कजरारे नैनो वाला बंसी धर है वो। रचाओ रासिये गोपिया बोली, ओ मोरे कान्हा राधा बोली, राधा पुकारे मोहन मेरा, सखिया पुकारे मोहन मेरा, यहाँ पे भी मैं हूँ वहाँ भी मैं हूँ, बोले ये कान्हा मैं हूँ सबका। श्याम माधवा बोलो तो जरा, खोलो भेद जरा, आ तनिक तो पास आ, नमो हे तू सता ओ मेरे कृष्णा आ। आरास्ता जाने मोरे कृष्णा मधुबन में तू आ, अरे थोड़ा सा तू रख संयम ओ मोरी राधा, आ मोरे संग में प्रीत के धागों से तू बंधे जा, आ प्रीत जताने प्यारी राधा वृंदावन में आ। सखियों संग नारास रचा, मोरे लिए ही ये मुरली बजा, नामों पे हक ऐसे राधा रानी तू जता, मुरली मोरी सबके लिए ही बाजे है राधा। श्याम श्याम माधवा बोलो तो जरा, खोलो भेद जरा, आ तनिक तो पास आ, मोहे नो सता मोरे कृष्णा आ।
रर्रा कृष्णा राधा कृष्णा हाथ मोरा थाम ले कान्हा। ओरी राधा ग्वाला मैं हूँ गोकुल का। तक दिन मोरे संग तू नाचे रे गोपाला। मन को तोरे वश में कर लूं मैं मनोहर नंद का लाला। मन को मीठी बातें भाई मोही ओ गोपाला। गोवर्धन में राज बिहारी कहे मुझे बंसीवाला। श्याम श्याम माधवा बोलो तो जरा खोलो भेद जरा। आ तनिक तो पास आ नामो है सदा मोरे कृष्णा आ। वर्षा कर दे मुझ पे भीगू मैं तेरे संग। ये प्यासे प्यासे नैना मोरे दे दे तू दर्शन। तन मन से हो गई मैं तेरी हुई तुझे अर्पण। ये बिरहा बिरहा की बेला सही न जाए मोहन। तोरी राधा मन से पुकारे आ जा रे मोहन। तोड़े रिश्ते जग से सारे तक से जुड़ा बंधन। आ मोहे तो अंग लगा ले आ जा मोहन। राधे का मैं माधवा राधे का मन बसिया मोहन मैं तेरा तू मेरी राधिका तोरे बिना ये कृष्ण है अधूरा ये कृष्ण है अधूरा ये कृष्ण है सुपर है सुपर है। वो जो नया लड़का आया है ना इतना कमाल दिखा देगा ये ऐसा सोचा नहीं था। ए क्या देख रहा है अपना काम कर। हाँ सर। जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। डांस प्रोग्राम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं बस। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे कृष्ण भगवान तुम बाथरूम गए थे और ये राधा उसके साथ चुम्मा कर रही थी। तुम देख नहीं पाए ब्रदर। हे भगवान इतना घोर कलयुग आएगा सोचा नहीं था। अरे घबराओ मत पंडित जी आपके दुखी होने से दी हुई पप्पी वापस तो नहीं आ सकती ना। अरे नृत्य को इतने गंदे तरीके से दिखाओगे तुम लोगों से कहने से क्या फायदा। मुझे तो तुम्हारे गुरुजी को ही बोलना चाहिए। सुनो तुम गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे। उन्होंने तो कुछ नहीं किया भाई लेकिन इनके हाथों तो करवा दिया ना। बहुत बड़े कलाकार हैं गुरुजी। क्यों क्या हुआ आखिर यहाँ क्या हो रहा है। अरे हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता हमारे कृष्ण भगवान जी को इस तरह गलत तरीके से बताया जा रहा है। हमारे भगवान का रूप धरकर तुम अश्लील हरकतें करोगे तो हम जान से मार डालेंगे। बेशरम कहीं तुम्हें सही कहां से बैठना ही चाहिए। हाँ मार डालो इसे। अरे राधा का रूप धारण करके ऐसी नीच हरकत करती है शर्म नहीं आती। रुक जाओ हमें आपस में झगड़ा नहीं करना है इसलिए ये प्रदर्शन यहाँ बंद कर दो। सरपंच जी अगर इस तरह से कार्यक्रम रोक दिया तो मैं तो एकदम बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा सब कुछ दांव पर लगा है। तुम सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोच रहे हो और मैं इस पूरे गांव की इज्जत के बारे में सोच रहा हूँ। ए चलो छोड़ दो सब छोड़ो छोड़ो बंद करो। गुरुजी गुरुजी कैसे भी ये प्रोग्राम हो जाना चाहिए। गुरुजी आप एक बार सरपंच जी से बात कर लीजिए ना। अरे देख क्या रहे हो स्टेज को गिरा दो जल्दी।
अरे अरे रुको रुको, कोई भी चीज मत ले जाइए। क्या कर रहे हो तुम लोग? गिरा दो तुम लोग। ए छोड़ दो साहब। ए पिताजी बात कर रहे हैं ना, अगर मना करेंगे तो हम लोग खुद यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? ए ये पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। अरे साहब ने बोल दिया ना तो फिर तेरी क्या सुनेंगे? हाँ ए निकालो तोड़ो। अरे रुको, देखो तुम लोग ये मत करो। क्या चिंता मत करो, सब कुछ सेट कर दूंगा, बस मुझे भी एक पप्पी दे दो ना। ये क्या कर दिया? देखा आप लोगों ने? देखा, डांस के नाम पर इसने गलत काम करके पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी, और पूछा तो मुझे मार रही है। और ऐसे लोगों को टकला करके गधे में बिठाकर गांव में घुमाना चाहिए। सरपंच जी, सरपंच जी, वहाँ पूरा स्टेज गिरा दिया गया है। ये वो भाग रही है, ये उसको लेकर छोड़ूंगा नहीं इसे। तुमने देखा ना, जब तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है? इंसान स्वयं को भगवान के हवाले नहीं करता है, तब स्वयं भगवान को यहां आना होता है न्याय करने के लिए। अब तो उसकी लीला समझ गए ना, या कुछ और बाकी है? प्लीज, इसे यहाँ कंफर्ट फील होगा, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेके आ गया। सितारा, तुम टेंशन मत लो, पहले जाकर कपड़े बदल लो। ले लो, उस रूम में चली जाओ। हाँ हाँ, मैं यहीं हूँ। हाँ, जरा साइड में रोकना। इस समय से गांव लेकर के जाएंगे तो पता नहीं वहां पर क्या होगा। अंकल चाय लीजिए। आंटी। थैंक्स बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं और रोहित एक ही कॉलेज में MBA पढ़ रहे हैं आंटी। बेटी,
अगर उस समय तुमने माँ की बात सुन ली होती ना तो आज तुम अच्छे से पढ़ लिख चुकी होती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अंकल, अभी भी पढ़ाई कर सकती है। इस वक्त हम इसे कहीं भी लेकर नहीं जा सकते बेटी, MBA की पढ़ाई कैसे करेगी। अरे ऐसा नहीं है आंटी, इसे हमारे कॉलेज में ज्वाइन करवा दो, 2 महीने के बाद इसका एडमिशन हो जाएगा आंटी, और तब तक ये हम लोगों के पास ही रह लेगी। ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। देखो सितारा, तुम जो करना चाहती थी वो तो तुमने कर ही लिया ना, अब कम से कम तू मेरी बात तो मान, अब तू MBA की पढ़ाई कर। तुम्हारे सर्टिफिकेट, कपड़े जो भी है मैं भेज दूंगी, ठीक है ना बेटा? ये सब कुछ सितारा। ठीक है आंटी, जैसे ही मैं शहर पहुंचूंगा कॉल कर दूंगा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते सितारा, कैसी है? बहुत अच्छी है, रोहित ने अपने फ्रेंड के घर पे उसे ठहराया है। हाँ, अच्छी बात है, अभी उसका वही रहना ठीक होगा। एक बार जब हालात सुधर जाएंगे तब उसे वापिस ले जाऊंगा। नहीं गुरुजी, अब वो डांस छोड़कर MBA की पढ़ाई करने के लिए तैयार हो गई है। नृत्य छोड़ देगी वो? आप इसके लिए मान कैसे गई? नृत्य के नाम पर मेरी बेटी 4 लोगों के बीच में मजाक बन गई, बस अब रहने दीजिए। सितारा का जन्म ही नृत्य के लिए हुआ है, वो उसे कैसे छोड़ सकती है? मैं उससे बात करता हूँ, अभी फोन लगाता हूँ। नहीं नहीं, उसे फोन मत कीजिए, ऐसी जल्दबाजी में आपने अपनी पत्नी को खोया। माफ करना, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, पर मैं अपनी बेटी सितारा की जिंदगी तो बदल सकती हूँ ना। जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती आप उसे फोन मत कीजिए। ठीक है। सितारा, तुम यहाँ अकेले बैठ के परेशानी होगी, तुम हमारे साथ डांस क्लास चलो ना। हे दिनकर। हाय ब्रो, ऑल गुड। हाय। ओके अनु, यू बोथ कैरी ऑन, आई क्विकली चेंज एंड कम। सही कर रहे हैं। हे गाइस। हाय। हाय। सो ये सितारा है। By the way, nice hairstyle. तुम्हारी तो एक ही चोटी है, मेरी तो 4 चोटियां है। मुंह बंद करने तो 4ों काट दूंगी। Anyway, she is also a good dancer. वो भी classical. Super. Classical dancer हो? मैं भी classical dance करती हूँ. Baby, classical dance का मतलब ये ऐसे नहीं होता, उसमें क्लास होना चाहिए। Oh my God, your dress is so nice. Your earrings so pretty. तुम्हारे बाल कितने लंबे, amazing. तुम्हारा रंग प्रवेश हो चुका है क्या? नहीं, मुझे डांस नहीं आता। सितारो, क्या हुआ सितारा? रोहित, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, मैं वापस अपने गांव चली जाऊंगी। देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन लुक एट द ब्राइटर साइड, तुम्हारे पेरेंट्स समझ रहे हैं कि तुम MBA करने वाली हो और तुम एक नई लाइफ स्टार्ट कर रही हो। मुझे नई लाइफ नहीं चाहिए, मुझे अपनी पुरानी लाइफ ही चाहिए, मेरी भी तो एक दुनिया थी ना, नृत्य। ठीक है, वो डांस तो तुम यहाँ भी कर सकती हो। यहाँ पर, जहाँ पर मेरे गुरुजी का स्कूल ना हो वहाँ मैं कैसे डांस कर सकती हूँ? डांस 4 दीवारों की बंदिशों में नहीं हो सकता है, वो तुम्हारे अंदर है और तुम उसे कहीं भी कर सकती हो। मेरे साथ चलो। सच्चे मन से जय जय बोलो गणपति राजा, जय जय जय, सबके ही मन को देखो है भाई, प्यारा नृत्य वाई वाई वाई। तू है मेरे मन की सरगम, संगीत में मेरा, तू मेरे गीतों का सुर है, मैं नृत्य तेरा, है तेरे ही नाम की मन में धड़कन, होठों पे साज मेरा,
है तेरे ही नाम की धुन, होठों पे नैनों में सपना मेरा, तेरी ही सांसों से है सांस मेरी, मैं हूँ जीवन तेरा, आकाश हूँ मैं तेरे मन का, तू है मेरे मन की धरा। सबके ही मन को देखो है भाई, प्यारा नृत्य वाई वाई वाई। तू है मेरे मन की सरगम संगीत में मेरा, तू मेरे गीतों का सुर है, मैं नृत्य तेरा, है तेरे ही नाम की मन में धड़कन, होठों पे साज मेरा, है तेरे ही नाम की धुन, होठों पे नैनों में सपना मेरा, तेरी ही सांसों से है सांस मेरी, मैं हूँ जीवन तेरा, आकाश हूँ मैं तेरे मन का, तू है मेरे मन की धरा। मैं तो तेरे लिए ही दुनिया में आया, तू है परछाई मेरी, मैं तेरा साया, मैं प्रीत करूंगा बस एक तुझसे ही, जब भी जन्म मैं लूंगा, हर राह पे हर मोड़ पे प्रिया तुझसे ही मैं मिलूंगा, जब तक रहेगी मेरे नैनों में ज्योति मैं तुझे बस देखूंगा, है गवाह मेरे प्यार के ये धरती आसमान। हर पल मैं तेरे संग रहूंगा, निखारूंगा ये कला तेरी, दिल में मेरे तू ही रहेगी, बात ये सुन ले ओ कादंबरी, तेरी ही पूजा करता हूँ मैं तो, मैं हूँ तेरा प्रेम पुजारी, बदरा में बदरा प्यार का तेरे, तू है मेरे प्यार की बिजुरी, राहों में तेरे संग मैं चलूंगा, लेके जाऊंगा मंजिल तेरी, तेरे ही मन में रहूंगा हर पल, बन के मैं धड़कन तेरी, सांसों में तेरी मैं ही बहूंगा, बन के पवन सुन सजनी मेरी, मेरे साथ में चल तू तुझको मैं दूंगा हर खुशी। गाइस, यूएस डांस कंपटीशन मेरी लाइफ का लास्ट चांस है, और अगर मैंने इसे मिस कर दिया तो मुझे डांस छोड़ना पड़ेगा। मैं पूरी जिंदगी नाकामयाबी के साथ नहीं जी सकता हूँ। ऐसा मत कहो रोहित, जरा देखो तो तुम्हारे साथ कितने लोग हैं, और मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर तुमको वेस्टर्न डांस बिल्कुल नहीं आता क्या? तो क्या हुआ, क्लासिकल डांस से भी तो हेल्प कर सकती हूँ ना। क्लासिकल डांस? एक्चुअली गाइस, दैट्स एक्चुअली गुड आइडिया। लोग हमेशा हिप हॉप या सालसा करते हैं, अगर हम क्लासिकल और वेस्टर्न डांस को एक साथ मिला के कुछ करें तो वो कुछ नया होगा। हाँ, एक काम करते हैं रोहित, सबसे पहले मैं क्लासिकल डांस के बेसिक्स तुम लोगों को सिखा देती हूँ। नहीं, 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 नहीं महाप्रभु प्लीज। गाइस, एक आइडिया है मेरे पास, चोली के साथ नीचे होगा घाघरा, वो भी क्लासिकल, और ऊपर वेस्टर्न जैकेट। थू, ऐसा करेंगे तो धोबी घाट पे भी चांस नहीं मिलेगा। यार चुप रहो, म्यूजिक स्टार्ट करो, हम लोग डांस करते हैं, क्या पता शायद कुछ नया इन्वेंट हो जाए। अच्छा, ओके, लेट्स गो। Thank you.
It go boom boom bap, yeah we got it like that. Kick drum, hit your whole body go crack. Dance, 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 dance,
अच्छा रहेगा एक राग के बाद एक राग भी स्वर्ण राग आएगा। हाँ, ये अच्छा है ना? हे भगवान! ये ड्रेस कंफर्टेबल नहीं है इस स्टेप के लिए। पिलर पर फूलों की माला होनी चाहिए, ठीक है। मंदिर और द्वार के बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए। ओके, दिस वे। मजदूर और हर सामान का दाम बढ़ गया गुरुजी, कुछ पेमेंट एडवांस दे देते। प्रकाशी आइए, हरि जी आइए आइए। कैसा लगा हमारा नृत्य? सच बताऊं हरि जी, बोलिए। वैसे बराबर नहीं है। वैसे क्या बराबर नहीं है, हमारा डांस या फिर हमारा अभिनय? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप और सितारा ने जो किया था वो इसमें कहीं नहीं है। आप उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? उसकी वजह से हम सबको तकलीफ हुई। वो मैं जानता हूँ, लेकिन आप अकेले ये नृत्य कैसे कर पाएंगे? वो फिर से आपको परेशान कर रही है, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं हरि, जल्दबाजी मत करो। उसने जानबूझकर गलती नहीं की, बस गलती हो गई। सितारा की परवरिश हमने की है, मैं जानता हूँ वो भी परेशान होगी। मैं समझ सकता हूँ। फोन नहीं करना, जाकर उससे मिलो और उसे तुम समझाओ। हेलो हेलो सितारा, मैं अनु बात कर रही हूँ, सितारा नहीं है। हाँ सितारा को फोन देना। कहा ना सितारा नहीं है, उसका फोन मेरे पास है। दरअसल मैं अभी अभी शहर आया हूँ सितारा से मिलने के लिए। आप एक काम कीजिए, मैं कॉफी शॉप का एड्रेस भेजती हूँ, सितारा वहीं मिलेगी। ओके, ठीक है ना? ठीक है, आप उससे वहाँ मिल सकते हैं। ओके बाय। जी ठीक है। हे, तुम लोग कहाँ हो? सितारा कभी भी यहाँ आ सकती है। एक काम भी तुम लोग सही ढंग से नहीं करते हो, जल्दी आ जाओ। होल्ड करना। हे, आप हरि हो ना? जी हाँ, आपको कैसे पता? थोड़ी देर पहले मैंने ही बात की थी और एड्रेस भी भेजा था। पर मैं ही हरि हूँ, ये आपको कैसे पता चला? Come on यार, हमारे शहर के लड़के कभी भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनते। वैसे सितारा कहाँ है बता सकती हैं? आप सही टाइम पे आए हो, आ जाओ। केक रेडी है ना? तुम बाहर जाके देखो। गाइस गाइस गाइस, वो लोग बस आते ही होंगे। जो मैंने कहा था वो सब तैयार है ना? केक ठीक से पकड़ो, टेढ़ा मत करना। वो लोग आते ही होंगे, चलो छुप जाओ। अरे छुपो, चलो जल्दी, कम कम कम। अरे अरे, we are giving surprise to Sitara. She's coming. तुम चलती रहो, चुपचाप चलो, उसके बाद देखना। हरि जी, आप यहाँ पर? अरे तुम्हारा बर्थडे है ना सितारा, इसलिए तो इतनी दूर आए हैं। ओके गाइस, कम, लेट्स कट द केक, कम ऑन, कम, हे, हे। हरि जी, मेरे लिए आप यहाँ तक आए इसके लिए थैंक यू।
मैं पिताजी के काम से शहर आया था, अब यहाँ तक आया था तो सोचा तुमसे मिल लूं। Guys, I have a good news. हमने जज को जो वीडियो भेजा था वो उन्हें पसंद आ गया है। US डांस कॉम्पिटिशन के लिए हम लोग सिलेक्ट हो गए। Let's play to New York. Congratulations. We did it. Lily, we did it. रोहित, हरी जी को भी इस कॉम्पिटिशन के बारे में बताओ ना। गुरु जी को अगर बताएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। या US डांस कॉम्पिटिशन में हमारी टीम को सेलेक्ट कर लिया गया है। Flying to America, downtown, US magazine में front page, we are going to rock. Yes, हम कादंबरी की कहानी को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएंगे। पता है कोरियोग्राफी कौन करेगा? सितारा। डेट फिक्स हुई क्या? या ब्रो, नेक्स्ट मंथ 10th को। कूल ब्रो। ऐसा है? फिर टाइम ही नहीं है हमारे पास। सितारा, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा मुझे काम है। आप यहाँ इसके लिए थैंक यू सो मच हरी जी, मुझे सच में आपको देखकर अच्छा लगा। गांव आकर कादंबरी कहानी करने के बारे में बहुत सोच रही थी। गुरुजी से माफी मांगना है और आपसे भी हेल्प चाहिए थी। तुम दुखी मत हो, मैं सब कुछ देख लूंगा। मैं जो नृत्य कर रहा हूँ किसी को पसंद नहीं आ रहा है, सितारा का नृत्य अमेरिका तक को पसंद आ रहा है। पंचांग के अनुसार हमारे मंदिर का कार्यक्रम करने के लिए आने वाली 10 या 15 तारीख ही शुभ है, तो इसलिए दोनों तारीखों में से कौन सी तारीख तय करें? 10 तारीख बहुत ही करीब है, सब कुछ इंतजाम करने के लिए वक्त बहुत कम पड़ेगा। 15 तारीख ठीक रहेगा, 15 तारीख फिक्स कर देनी चाहिए। 15 नहीं, 10 तारीख को करते हैं। मतलब आने वाली 10 तारीख को करते हैं। 10 तारीख को ही अपने मंदिर के दरवाजे खुले थे, हमें हमारे पवित्र ग्रंथ मिले थे, अगर उस दिन हम करेंगे तो हमारे देवता हमें आशीर्वाद देंगे। अच्छी बात है, 10 तारीख को ही करते हैं, वो दिन बहुत ही शुभ है और सबको माता का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ठीक है, 10 तारीख को करते हैं। कल्याण हो। हाँ, ये ठीक है। सितारा, हाँ, इसे उधर रख दो। हरी जी। सितारा, तुम्हारे गाँव आने का रास्ता मिल गया। सच में? सच में सितारा, तुम्हारा गाँव आना, गुरु जी का माफ करना, सब कुछ होने वाला है। ये सब कुछ कैसे हो सकता है? इस बार मंदिर के कार्यक्रम में मैं अपना नृत्य करने वाला हूँ। मेरी कथा कहने से बेहतर है कि तुम यहाँ पर सबके सामने अपनी कादंबरी कथा कहो। तुम्हें स्टेज पर ले जाने की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। एक बार नृत्य शुरू होने के बाद तुम्हें कोई भी बीच में नहीं रोकेगा। और फिर से एक बार अपने नृत्य से सबको दीवाना बनाकर तुम्हारी कोई गलती नहीं ये साबित कर दो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, सब लोग तुम्हें माफ कर देंगे, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। आपकी बातें सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है ये मैं आपको बता नहीं सकती। सितारा, तुम्हारी खुशी अब तुमसे बहुत ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती है। आने वाली 10 तारीख को ही मंदिर में कार्यक्रम है। 10 तारीख को? क्यों, क्या हो गया? आने वाली 10 तारीख को ही तो हम लोग अमेरिका जा रहे हैं। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सितारा, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तुम एक शो नहीं छोड़ सकती। जब मेरे साथ कोई नहीं था तब रोहित ने मेरा साथ दिया, मैं अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। जो कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी किस्मत। hey, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। सब ठीक है ना? हाँ। शो? कॉस्ट्यूम रख लेना। अरे तुम लोगों को पता है हमारी सितारा दीदी नृत्य करने के लिए अमेरिका जा रही है। और पता है उसने ही कोरियोग्राफी की है। इतनी अच्छी बात है ना, मैं तो उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जरूर देखूंगा। बहुत अच्छी बात है। फिर से क्यों किया? तीन बार करना है। तीन बार करना है क्या? ठीक है। क्या हुआ हरी जी? तुम लोग करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। Guys, look here. We got the passport. आज 10 तारीख है। सितारा अमेरिका चली जाएगी और मुझे मंदिर के कार्यक्रम में नृत्य करना है। अगर कुछ भी गलती हो गई और जनता को पसंद नहीं आया तो अरे बाप रे, सितारा रहती तो कितना अच्छा होता। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ऐसे भी करके अपनी इज्जत को बचाना होगा। जल्दी करो, बहुत सामान पैक करना है। जरा ये पकड़ो ना, मेरा कॉल आ रहा है।
ओह गॉड, ये सब भी पैक करना पड़ेगा क्या? हाँ सितारा, मुझे कोई और रास्ता निकालना चाहिए था, बिना मतलब के गुस्से में आ गया था। वैसे तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे है? रात के 3 बजे की है। भगवान ने तुम्हें सही टाइम पर आशीर्वाद दिया है। हमारा कार्यक्रम 7 बजे है और कार्यक्रम के बाद तुम फ्लाइट के टाइम पे जा सकती हो। तुम्हें गुरुजी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। क्या सच में? एक बात बताऊं, गुरुजी के आशीर्वाद के लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैं किसी भी हालत में आऊंगी। ठीक है। रोहित, अरे क्या हुआ? तुम्हें पता है मैं अभी अपने गाँव जाकर नृत्य करने वाली हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताओ, ये मिरेकल हुआ कैसे? गुरुजी ने किया? नहीं, हरी जी ने। हरी ने? रोहित, कौन सा रखूं? गांव में मंदिर का कार्यक्रम होने वाला है, हम दोनों मिलकर नृत्य करेंगे, ऐसा प्लान बनाया है उन्होंने। वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, बस ये प्रोग्राम करके आ जाएंगे तो काम हो जाएगा। रोहित, गुरुजी, मंदिर वाले, गाँव वाले सब मान जाएंगे ना? कैसे मान जाएंगे? गाँव में क्या क्या हुआ तुम्हें पता है ना? पैक कर देना भाई। प्लीज समझने की कोशिश करो, जाकर नृत्य करके आ जाएंगे ना, प्लीज। ओके, तुम्हारा प्रोग्राम कब है? आज शाम 7 बजे। व्हाट? क्या कहा? आज है? यू हैव कम्प्लीटली लॉस्ट योर माइंड। आज रात को हमारी फ्लाइट है और तुम गांव जाने की बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? एरिजिन बॉर्डर न्यूयॉर्क कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैं आने के लिए मना कर रही हूँ? प्रोग्राम 7 बजे का है, जाकर प्रोग्राम करके एयरपोर्ट पर टाइम पर पहुंच जाऊंगी। हाँ, तुम उस गांव में जाओगी तो पता है लोग क्या कहेंगे? आ जाओ बेटी, आरती उतारेंगे तुम्हारी। हाँ, स्वागत है तुम्हारा। ओह, अब लेट हो रही होगी बेटी, चली जाओ बेटी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सितारा, लोग तुम्हें मार देंगे वहाँ पे। प्लीज मेरी बात सुनो ना सितारा, नाटक मत करो। अब तुम उस गाँव में कभी नहीं जाओगी, दैट्स इट। सितारा, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? कौन सेल्फिश है? मैं हर दम हम दोनों के बारे में सोचती रही हूँ, पर तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मैं टाइम पर एयरपोर्ट पहुँच जाऊंगी। गाइस, आई डोंट नो हाउ, लेकिन हम किसी भी हालत में अमेरिका जाएंगे। ओके? ओके। श्रेया, अगर सितारा टाइम पे नहीं आती है तो उसकी जगह तुम परफॉर्म करोगी। ओके, आई विल डू इट। ओके गाइस, लेट्स फिनिश द पैकिंग। या हाँ माँ। बेटा, अमेरिका जाने का सारा इंतजाम हो गया? नहीं, मैं गांव जा रही हूँ मंदिर के कार्यक्रम में नृत्य करने के लिए। क्या तुम वापस वहाँ आ रही हो? बेटी, वो लोग तुम्हें देखेंगे तो मार डालेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, सब कुछ हरी जी देख लेंगे। पागलों जैसी बातें मत करो सितारा। मुझे समझने की कोशिश करो ना माँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, फोन रखो। सितारा, किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं देखा, पर तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी है? गांव में रोकता तो सबको पता चल जाता है, इसीलिए। जैसा हमने सोचा था वैसा ही होगा ना, और याद रखना कि मुझे टाइम पर एयरपोर्ट पहुँचना है। सितारा, मैं हूँ ना, तुम क्यों डर रही हो? चलो मेरे साथ।
देखो तुम सब लोग बाहर जाओ। यहाँ तो बहुत भीड़ जमा है भाई, देखते हैं कार्यक्रम कैसा होता है। सुनो, तुमने सितारा को देखा क्या? नहीं आंटी जी, मैंने तो नहीं देखा। सितारा, देखा ना तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, कोई और तुम्हारे लिए इतना करेगा क्या? मैं सही टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगी ना सितारा। पहले जो तुम नृत्य करने वाली हो उसके बारे में सोचो, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। आगे उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। सितारा, हाँ? देखना तुम, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। गुरुजी, सारे लोग तुम्हारे फैन हो जाएंगे, देखना तुम। हाँ। तुम्हें हमेशा से एक जोड़ी चाहिए थी ना? क्यों नहीं? तुम मेरी जोड़ी बन सकती हो? हाँ जरूर, गुरुजी चाहेंगे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सितारा, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। क्या तुम हमेशा मेरी सूत्रधार बनके रहोगी? केवल सूत्रधार नहीं, मेरा जीवन साथी बनकर। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हरि जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपके बारे में ऐसा सोचा नहीं। तो फिर किसके बारे में सोचती हो? उस रोहित के बारे में? मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ और तुम रोहित के बारे में सोच रही हो, उसी की वजह से ये सब हुआ है। उसमें रोहित की कोई गलती नहीं थी, उसने जो किया मेरे लिए किया। क्या किया तुम्हारे लिए? 15-20 साल की तपस्या भंग कर दी, गुरुजी की बेइज्जती हुई, पूरे गांव में थू-थू हो गई। इतना होने के बाद भी जान पर खेलकर मैं तुम्हें यहां तक लेकर आया हूं। अब बोलो, मैं या वो? मुझे माफ कर दो। सितारा, जरा सोचो। इसे हटाओ। वैसे जो होना है देखते हैं, अनाउंसमेंट भी होने वाली है। अब ज्यादा मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा। चलो। नृत्य जो कि सबसे बड़ी कला है, सभी कलाकारों का यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। इस नृत्य कला में महान कलाकारों ने भाग लिया हुआ है जो कि इसी गांव से हैं। और इनका नृत्य देखकर आप सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नृत्य में जो भाग ले रहे हैं वो है हमारे गुरुजी के बेटे हरि, जो कि अपने पिता का आशीर्वाद लेकर अपना नृत्य पेश करने वाले हैं। कुछ ही देर में इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। इस प्रदर्शन को आप तन मन धन से आशीर्वाद दें और सभी कलाकारों का स्वागत करें। मुझे ठुकराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? दोबारा यहाँ कदम नहीं रख पाएगी, कुछ ऐसा करूँगा। वापस कैसे आ गई? पकड़ो इसे। क्या करने आई है यहाँ? इसे निकालिए तो। क्यों आ गई है? सितारा? हाँ? अरे सितारा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम यहाँ आई कैसे? ये हमारा कार्यक्रम है। चलो स्टेज से उतर जाओ सितारा। कहाँ जाओगी तुम? एक बार स्टेज से उतर कर देखो। एयरपोर्ट क्या? तुम इस गांव से जिंदा नहीं जा पाओगी। सितारा, तुमको ही बोल रहा हूं मैं, जाओ सितारा। चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, जब तक गुरुजी मुझे माफ नहीं करेंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देखा ना, ये कैसी लड़की है? एक नर्तकी की वजह से हमारी पाठशाला पे उंगली उठाई गई। ये वापस अपना काला मुंह लेकर यहाँ पर आ गई।
हमारे पाठशाला से ये नाम कमाना चाहती है। आप ही बोलो मैं क्या करूं? इतना कुछ होने का बाद भी तू यहाँ आ गई? अरे सुनिए हमारी बात सुनिए, जाइए आप लोग। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? चलो स्टेज से उतरो, हमें इसका प्रदर्शन नहीं देखना है। चलो भगाओ इसे यहाँ से। सितारा मैं आ गया हूँ। चौकी चौकी मैं हूँ रोहित। तुम डर क्यों रही हो? मैं हूँ रोहित हूँ। ओके सितारा तुम रो मत। सॉरी मैं समझ रहा हूँ। प्लीज तुम्हें कुछ नहीं बोला है, तुम एकदम शांत हो। सितारा पहले तो तुम रोना बंद करो, समझी ना? अच्छा तुम चाहती क्या हो? यही ना कि तुम्हारे गुरुजी तुम्हें माफ कर दे, बस इतना ही ना? ठीक है सितारा मेरी बात सुनो, आज तुम्हें परफॉर्म करने का मौका मिला है। ओके आज हम यहाँ सबको बता देंगे, ये पूरा गांव तुम्हारे बारे में गलत सोचता है। ओके अब हम विदेश में नहीं इसी देश में यहीं इन गांव वालों के सामने हम कादंबरी कथा का प्रदर्शन करेंगे। मेरी बात मानो, इसे ले जाओ, ले जाओ इसे। सब लोग चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। आज हम अपने डांस के द्वारा आपके ही गांव की एक कहानी दिखाएंगे। आपके गांव की कहानी हम कैसे दिखा सकते हैं सोच रहे होंगे ना, लेकिन इस सच्ची कहानी को हम ही जानते हैं। ये कादंबरी की कथा है। कादंबरी ने नृत्य के लिए अपनी जान दे दी थी, ये वही कथा है। सुन प्रेम धुन सारे गम के सर अलबेला, क्षण क्षण लागे धुन गीतों की धुन अलबेला। बह सांसों में प्रेम रेला, तेरे बिना मन है अकेला। यादों का तेरी लगा मेला, गा मेरे संग गीत कोई गा। अंग्रेजी सरकार ने ऐलान किया है कि इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता, इनकी कला, इनकी एकता ही इनकी ताकत है। हमको अगर इनसे आजादी चाहिए तो इनकी कला को समाप्त करना होगा। अंग्रेजी हुकूमत नहीं चाहती है कि इनकी कला देश विदेश में फैले, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने फ्रांसिस को इस काम के लिए नियुक्त किया है। ये सारा जहां आज देखेगा, दिल थाम लो सब, आज सुनो ये सब। ये देखो देखो देखो, ये आंखें होने दो नम, सुनो तो दिलों की सरगम। मेरे मेरे इस डांस से सबका ही दिल धड़केगा। जो भी पहले है बीता, याद तुम्हें सब आएगा। इसमें है प्यार छल धोखा, कहानी ये सत्य है। सुन के ये आंखें हो जाएगी नम, वो सितम हुआ जब तो दिल थे टूटे। नाचो नाचो, गाए तू जा गाए तू जा, ये सरगम हरदम गाए तू जा। रित सच्चा है देखो, रित सच्चा है देखो, रित सच्चा है देखो, नृत्य सच है देखो, नृत्य सच है देखो,
नृत्य सच्चा है देखो, नृत्य सच्चा है देखो। आज से ये सब बंद किया जाता है। बेचारी, चाहे तुम मंदिर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दो, लेकिन नृत्य को एक नई राह पर ले जाऊंगी मैं, और मैं लिखूंगी नृत्य के भविष्य को। गया था कि ये सब देवी माता ने लिखे थे। वही तो। तनक दिन 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 तनक दिन 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 था तनक दिन 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 तोम दिरा दारा तोम दिरा दारा तोम तनक दिन 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 था दिरा दारा दारा तोम दारा दिरा तोम। जीवन मेरा है नाट्यम, सांसों में बसी है सरगम, नस नस में है ये नाट्य कला, रग रग में है ये नाट्य कला, अंग अंग में है ये नृत्य कला, तन मन मेरा ये इसमें ढला, नाचू नाचू मैं झूमे मन मेरा, नृत्य में खिर के अंग मेरा, मन में जागे है ओ मंगे नहीं, नृत्य आधार ही मेरा। कौन हो तुम? मेरा नाम कादंबरी है। नृत्य अश्लील होता है, गंदा होता है, तुम्हें नहीं पता ये? नृत्य कितना पवित्र है तुम्हें क्या पता? कानून के खिलाफ जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए तुम्हें किसने अधिकार दिया? रोके चाहे कोई कितना मुझे, चाहे बने बैरी ये दुनिया, चाहे ले ले कोई प्राण मेरे, नित्य रुकेगा न पर ये मेरा। ये नाट ही तो है आराधना, मेरी साधना, आज मैं नाचूंगी और गाऊंगी, कोई रुको ना मुझे। कादंबरी का नृत्य देखकर फ्रांसिस उस पे फिदा हो गए। उन्हें समझ आया कि नृत्य बहुत बड़ी कला है। सरकार जिस नृत्य को गलत कहती थी वो गलत नहीं है, यह कादंबरी ने मुझे बताया। और धीरे धीरे मैं न जाने कैसे कादंबरी के प्यार में घिरता चला गया। ना होगा
सुंदर तुम जैसा ना कोई, रूप की रानी तुम जैसा आकाश से अप्सराई, या तुम स्वर्ग से आई, मूरत हो सुंदरता की लगती हो मेनकासी, प्यार का तुम मौसम तुम साना तीनों लोक में, ये जहां तुमसे रोशन पूनम का चांद हो जैसे ना होगा, इस लोक में कोई तुम जैसा ना कोई, नाट्य में तुम सा है जग में, मासूम हो चंचल तुम फूल से तुम हो कोमल, प्यार का सावन हो बरसा दो प्रेम की बूंदे, प्रीत की छेड़ दो सरगम बस जाओ मेरे प्राण में, तुम मौसम तुम साना तीनों लोक में, ये जहां तुमसे रोशन पूनम का चांद हो जैसे। नृत्य को कितने गंदे तरीके से दिखाया जा रहा है, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? फ्रांसिस को जब कादंबरी से प्यार हो गया तो वो उसे इंग्लैंड ले जाकर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन कादंबरी ने कहा जो वो चार ग्रंथ लिखना शुरू की है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता वो मंदिर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। तभी फ्रांसिस और कादंबरी ने मन बनाया कि वो दोनों उसी मंदिर में शादी करेंगे। ये सब गलत है, एकदम गलत है। वीरभद्र जाकर हरि की सहायता करो। अपने मन में हजारों सपने सजाए कादंबरी उस दिन मंदिर में आई। ए, आग लगा देते हैं इस बार, चलो। और इस बात का ब्रिटिश सरकार को पता चल गया और उन्होंने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। गुरुजी, आप हाथ पार कर रहे हैं वो भी मेरे सामने। अपना नाटक बंद कर, तूने अपने फायदे के लिए हमारी कहानी को बदल दिया। हमारे लिए कादंबरी ने त्याग किया है, उसने सिर्फ नृत्य नहीं किया बल्कि पूरे समाज के लिए बलिदान दिया। सच्चाई देख। कादंबरी चलो, उन्हें पता चल गया है, हमें यहाँ से जाना होगा, चलो। ठहरो, अगर हम यहाँ से चले गए तो वो इस ग्रंथ को जला देंगे और हम ऐसा नहीं होने देंगे। वहाँ जाने के बाद तुम फिर से लिख सकती हो। वहाँ पर मेरी आँखों को ये सब देखने का मौका नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर रहेंगे मंदिर के अंदर तो ये ग्रंथ भी सुरक्षित रहेंगे। इस ग्रंथ से ज्यादा तुम्हारी जान जरूरी है। अगर इसे नहीं बचाया तो मेरी जान का क्या मतलब। कादंबरी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तुम यहाँ रहोगी तो मारी जाओगी। फ्रांसिस मेरे लिए इस ग्रंथ से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
फ्रांसिस, इस समस्या का केवल एक ही हल है। मुझे मार दो फ्रांसिस। ये तुम कैसी बात कर रही हो कादम्बरी? हाँ, अगर तुम मुझे मार दोगे तो किसी को भी शक नहीं होगा, लोग तुम पर विश्वास करते हैं। इससे पहले कि इस ग्रंथ को वो लोग देखें और इस पर उनकी नजर पड़े, मुझे मार दो फ्रांसिस, और इस मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करवा दो, तभी मेरा सपना पूरा हो पाएगा और नृत्य जिंदा रह पाएगा। ग्रंथ को बचाने के लिए मेरा मरना जरूरी है।
कादंबरी का त्याग व्यर्थ नहीं गया। ग्रंथ के बारे में किसी को पता नहीं चला। उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। कोई भी उस मंदिर में ना जाए, इसलिए देवी की झूठी कहानियां बनाई गई। कादंबरी जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। कादंबरी ने जो बलिदान दिया है अपने ग्रंथ को बचाने के लिए, अगर वो दुनिया को ना पता चले तो उसका त्याग व्यर्थ चला जाएगा। और इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि उसके बारे में एक डायरी लिखूं, जिससे एक ना एक दिन इस डायरी के द्वारा कादंबरी को लेके जो लोग निशब्द और मौन रह चुके हैं, वो उसकी सच्चाई के बारे में जरूर जानेंगे। इतने सालों तक हम सोच रहे थे कि मंदिर में जो ग्रंथ मिले वो देवी ने लिखे, वो झूठ है, वो कादंबरी ने लिखे। चाहे तो आप डायरी पढ़ सकते हैं। सब लोग यही समझ रहे हैं कि ये ग्रंथ देवी माता ने लिखे हैं। ये बताने वाले आप कौन होते हैं? देवी नहीं, ये लिखने वाली कादंबरी है। लोगों को इतने बरसों से देवी पर विश्वास है और ये देवी की महिमा है। ये देवी की नहीं, कादंबरी की है। चुप रहो, तुम जो कह रहे हो हमें उस पर विश्वास नहीं है। और अगर माता को गुस्सा आ गया तो? ट्रस्टी साहब, जैसे इस नृत्य ग्रंथ को हम सबके सामने लेकर आए हैं, उसी तरह कादंबरी कथा को भी सबके सामने लेकर आना हमारा कर्तव्य है। यहाँ देखो, रोज रोज भक्तों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ मंदिर में जो ग्रंथ मिले हैं वो देवी माँ ने दिए हैं, ये सोच रहे हैं। ये विश्वास है या अंधविश्वास है? इस मंदिर को कितना आदर सत्कार मिल रहा है और मेरी कमाई भी हो रही है। अगर इन लोगों को ये पता चल जाए कि इसे देवी ने नहीं एक स्त्री ने लिखा है, तो इस मंदिर में कौन आएगा? फिर तो देवी की महिमा का महत्व ही खत्म हो जाएगा। फिर मेरी आमदनी का क्या होगा? पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहता हूं, इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। इस कहानी को नहीं, बल्कि इस अंधविश्वास को समाप्त करूंगा। इस पुस्तक के आधार पर तुम इस जनता को कैसे विश्वास दिलाओगे और फिर कैसे साबित करोगे? अगर विश्वास दिलाना हो तो उसके लिए सबूत और साक्षी चाहिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं नृत्य कला से इस अंधविश्वास को मिटा कर रहूंगा। मुझे कादंबरी नृत्य सिखाएंगे क्या? जरूर सिखाऊंगा। गुरुजी, शालिनी जी को नदी के पास सांप ने डस लिया है। एक और बलि चढ़ गई। देवी का अपमान हुआ और देवी को गुस्सा आया, इसीलिए सांप के रूप में आकर तुम्हारी पत्नी को डस लिया। पूरे गांव वाले यही सोच रहे हैं। तुम भी यही सोच रहे हो क्या? मैंने बोला था उस अंधविश्वास को समाप्त कर दो। अब बनवा ली ना अपनी पत्नी की समाधि? आराधना की है गुरुजी। शालिनी माँ जी के गुजर जाने के बाद मैंने आपकी सूत्रधार बनकर मैंने आपसे नए नए नृत्य की शिक्षा हासिल की है गुरुजी। और आखिर में मैंने ही आपको इस गांव में बदनाम कर दिया। माफ कर दीजिए। तुम मुझे क्षमा करना बेटी, तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या हासिल किया है। अपने नृत्य से तुम एक सच्चाई सामने लेकर आई हो। पर मेरा रंग प्रवेश
इससे बड़ा रंग प्रवेश और क्या हो सकता है। तुमने आज उस कादम्बरी की कहानी पूरी कर दी, शायद मैं भी इतनी खूबसूरती से नहीं कर पाता। गुरुजी। सितारा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, संभल कर जाना। हाँ जी गुरुजी। बेटी, हमें माफ कर देना, हमसे गलती हुई। कादंबरी कथा को कितने अच्छे से बताया बेटी, बहुत अच्छा। क्या कादंबरी, यही कादंबरी है, कादंबरी ने दूसरा जन्म लिया है। अच्छे लगने लगे दिल में तुम रहने लगे, खोए हम रहने लगे, सपने सच होने लगे। जब से हो तुम मिले हर खुशी से हम मिले, जीने की वजह मिली जब से मुझको तुम मिले। तुम अच्छे लगने लगे दिल में तुम रहने लगे, खोए हम रहने लगे, सपने सच होने लगे। चली रे चली रे मैं तो तेरी ही गली चली रे, ढली रे ढली रे मैं तो तेरे ही रंग में ढली रे, खिली रे मैं तो फूलों सी मैं खिली रे, मिली रे मैं तो मंजिल से मैं मिली रे। देखा था सपना जिसका मैंने तुम वही हो, सजना मेरी चाहा था जिसका दिल ने मेरी, तुम वही हो रे। तुम अच्छे लगने लगे दिल में तुम रहने लगे, खोए हम रहने लगे, सपने सच होने लगे। देखो देखो ऐसे ना, छेड़ो छेड़ो ऐसे ना, निहारो ना प्यार से, आओ ना पास में, कुछ कुछ बोलो ना, ज्यादा ज्यादा सोचो ना, जो भी है दिल में ना रखो वो दिल में। कसम तुम्हें हमारी कहो बातें दिल की, चाहत मेरी है तुमसे ही। तुम अच्छे लगने लगे दिल में तुम रहने लगे, खोए हम रहने लगे, सपने सच होने लगे। चाहूं लम्हा लम्हा जिंदगी ये नाम तुम्हारे, मेरा दिल ये लागे कहीं ना सजना मेरे बिन तुम्हारे। पूजो पूजो तुमको पूजो, तुम ही हो रब मेरी, तुम ही तुम चाहत मेरी, कुछ नहीं मैं बिन तेरे। तुम अच्छे लगने लगे दिल में तुम रहने लगे, खोए हम रहने लगे, सपने सच होने लगे।